लगभग इसका अमाउंट लेना पड़ेगा 1.30। चलिए फ्रेंड, इसको मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली। अब देखो, हर स्टैंडर्ड फ्लास्क में एक मार्क दिया होता है। हम 100 ml वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का ये सर्कुलर मार्क दिया है। हमें केवल पानी की क्वांटिटी यहीं तक भरनी है, ठीक है। थोड़ा जीरो से ऊपर है तो हम इसका लेबल जीरो तक कर देंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 35 ml इस मिक्सचर का। अब ये मिक्सचर किसका बना रहे हैं,
ड्रॉप गिराओगे, ठीक है। अगर स्पीड से कर दोगे तो क्या होगा, आपकी रीडिंग खराब हो जाएगी, आपको एकदम पता नहीं चलेगा कि आपका एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। इसलिए हम हमेशा जो टाइट्रेशन होते हैं वो एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं, और साथ में हमें क्या करना है, स्पोनिकल फ्लास्क को शेक करते रहना, ठीक है। अब कलर चेंज कैसा होगा, कलर चेंज इस तरीके से होगा कि पहले आएगा लाइट ग्रीन कलर, जैसे हमारे जेम्स का कलर होता है, नगों का कलर होता है, जिसकी अंगूठी बनती है, वैसा लाइट ग्रीन कलर आएगा। देन डार्क ग्रीन कलर तो जो हमारी रीडिंग्स होंगी, हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, जो हमें लैब मैनुअल में लिखना है, वो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में रीडिंग शुरू करने से पहले, रीडिंग तो मैं ये सब आपकी बना रखी है, टेबल बना रखी है मैंने ऑलरेडी, कहीं कहीं लिखवाते हैं कि वॉच ग्लास का वेट क्या है, वॉच ग्लास प्लस सॉल्ट का वेट क्या है, और फिर उसमें से देखते हैं कि सॉल्ट का वेट क्या है। तो वॉच ग्लास का वेट लगभग 10 से 13 के बीच आ जाता है, बाकी डिपेंड करता है लैब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आप अपना अपने आप कर लीजिएगा वॉच ग्लास का जो भी वेट हो आपका। रीडिंग्स मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग्स किस तरीके से आई हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने नोन का ही किया था, तो टाइट्रेशन ऑफ नोन FAS सॉल्यूशन विद K2Cr2O7 सॉल्यूशन। इसमें हमें तीन कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ FAS सॉल्यूशन, जो हमने वॉल्यूम, जैसे हमने 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, उसमें से हमने एक बार में कितना लिया था, 20 ml, इसलिए मैंने तीनों रीडिंग पर 20 ml लिखा है। इनिशियल रीडिंग मेरी ब्यूरेट की कितनी थी, 0 थी। फाइनल रीडिंग कितनी आई थी, 11.9 आई थी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 यूज्ड कितना हो गया, 11.9 हो गया। अब देखो नीचे वाले में कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल में से मैं इनिशियल माइनस कर दूंगी तो मेरा यही बनता जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम आती जाएगी इसकी। अब रीडिंग कितने पे पहुंच गई, 11.9 पे पहुंच गई। मैंने फिर से सेम प्रोसीजर किया, तब मुझे नेक्स्ट रीडिंग मिली 23.9 पर। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी तो कितनी रीडिंग आई, 12.0 आई, ठीक है। अब जो हमारी रीडिंग थी वो कितने पे पहुंच गई, जो ब्यूरेट था उस पे लेवल कितने पे पहुंच गया, 23.9 पर पहुंच गया। अब नेक्स्ट रीडिंग मैंने सेम प्रोसीजर किया तो आई 35.9 पर, इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो आ गया मेरा 12। अब देखो ये तीन
तीन रीडिंग में से मेरी दो रीडिंग की वैल्यू सेम आ रही हैं, इसलिए जो कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू होगी V1 होगी वो मैं इसको 12 मान लूँगी, ठीक है, 12.0 या 12 ml मान लूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा अननोन सॉल्यूशन होगा उसके लिए रीडिंग देखते हैं। अननोन सॉल्यूशन में वही सेम टेबल है हमारी, ऊपर वाली जीरो से रीडिंग शुरू करी थी, सबसे पहले आई थी 13 पर, तो वॉल्यूम हो गई K2Cr2O7 की 13, फिर 13 से स्टार्ट करके दोबारा रीडिंग ली तो आई 26.2 पर, तो 26.2 में से मैं 13 को माइनस कर दूंगी तो बचा 13.2, फिर 26.2 से जब शुरू किया मैंने तीसरी बार प्रैक्टिकल किया तो 38.4 आई, तो ये हो गया 13.2। अब जब हमारी दो सेम वैल्यू आ गई तो मैं इसी को मान लूंगी कि जो हमारी कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू होगी V2 होगी वो क्या होगी, 13.2 होगी। V1 और V2 सिंपल सा है कि V1 किसके लिए है, नोन के लिए है, और जो हमारी V2 है वो किसके लिए है, अननोन के लिए है। अभी जब हम कैलकुलेशन में फॉर्मूला रखेंगे तब इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर ये तीनों वैल्यूज़ अगर डिफरेंट होती हैं तो क्या करते हैं, तीनों का मीन ले लेते हैं। मीन कैसे लेते हैं, बाई एनी चांस अगर ये आ जाती 13.1 आ जाती बाई एनी चांस, तो हम क्या करते, 13 + 13.1 + 13.2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारी वैल्यू आती वो होती हमारी V2। लेकिन अभी हमारी दो सेम आ गई हैं इसलिए हमने इन दोनों में से एक, मतलब ये दो सेम वाली ज़्यादा चांस इसके हैं, तो इसलिए हमने वैल्यू 13.2 रख दी। अब इसके बाद कैलकुलेशन आपको दिखाती हूँ। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें सप्लाइड FAS सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी थी, है ना। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो हमने ग्राम पर लीटर में ली है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाइड FAS सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मूला है, 10 × वेट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ml मेजरिंग फ्लास्क। जो हमने 100 ml सॉल्यूशन बनाया था उसमें कितना अमाउंट हमने सॉल्ट का लिया था, जैसे हमने FAS का कितना अमाउंट लिया था 100 ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो हम यहाँ रख देंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ इंटरमीडिएट सॉल्यूशन यूज्ड विद अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। अननोन की जो हमारी वैल्यू आई थी V2 वो हम यहाँ रख देंगे, डिवाइडेड बाई जो हमारी नोन की वैल्यू आई V1 वो रख देंगे, क्योंकि भाई इंटरमीडिएट सॉल्यूशन हमारा K2Cr2O7 ही तो है, तो उसी की वैल्यूज हम रख रहे हैं। तो 10 × वेट ऑफ सब्सटेंस हमने लिया था 1.30, उसके बाद इंटू वॉल्यूम ऑफ इंटरमीडिएट सॉल्यूशन फॉर अननोन, तो अननोन के लिए थी V2 थी हमारी 13.2, उसके बाद डिवाइडेड बाय नोन, तो नोन थी हमारी 12 ग्राम पर लीटर। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इस तरीके से कैलकुलेट करके 171.6/12 आया और आंसर आ गया हमारा 14.3 ग्राम पर लीटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें सप्लाइड FAS की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी थी, वो निकल कर आई हमारी 14.3 ग्राम्स पर लीटर। अच्छा, ये जो हमारा पूरा प्रैक्टिकल था ये इंटरनल इंडिकेटर का था, एक्सटर्नल इंडिकेटर की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। ये इंटरनल इंडिकेटर डाइफिनाइल अमीन के यूज से था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, आई होप आपको प्रैक्टिकल समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या और किसी प्रैक्टिकल की वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, ध्यान रखियो, बाय बाय।